अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। इमली आलू बहारे के शरबत बनने जा रहा है जी। उसके लिए इमली और आलू बहारे को भिगो के रख दिया है जी, और बस इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको पकाया है ताकि आसानी से जो है इसकी गुटलियाँ अलग हो जाएँ। अब इसकी जो गुटलियाँ हैं उसको अलहदा कर लिया है, जो गुटलियां हैं उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उससे इस तरह से थोड़ा सा शरबत इसका बना लेंगे। और जो बाकी का जो हमारा जो गोदा है उसको हमने इस तरह से ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया है अच्छे से ताकि इवन हो जाए सारा मिक्सचर। अब इसको हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। इसमें हमने डाली है जी अच्छी खासी कोई चीनी, काला नमक डाला है इसमें, और इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सिरका ऐड किया है। आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह जब ये गाढ़ा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो बस ये रेडी हो जाएगा जी। थोड़ा सा आलू बुखारा निकाल के उसकी चटनी में बना ली थी। अच्छा जी, जब ठंडा हो गया मैंने इस तरह से इसको बॉटल में स्टोर कर लिया है। और रमज़ान में आप बस बनाएं, रोज़ाना बनाएं चाहे एक दिन बाद बनाएं, इस तरह से थोड़ा सा निकाल कर मिक्सचर इस तरह से, और बस हम इसमें पानी डाल के बस बना लेंगे इसका शरबत। और बर्फ़ इसमें ऐड करके ठंडा ठंडा भी ये पेश किया जाएगा। चीनी की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं साथ ही मिक्स करके, अगर कम लगे तो इस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि कैसा बना आपका इमली और आलू बुखारे का शरबत। गर्मियों में तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है और फ़ायदेमंद है क्योंकि ऐसी तासीर ठंडी होती है, ख़ास तौर पर जो हम लड़कियां हैं उनको इस तरह की खट्टी मीठी चीज़ें जो है वो पसंद होती हैं। बस यहाँ पे मैं अफ्तारी के लिए इसको रेडी कर रही थी। पानी ऐड किया मैंने उसमें और मिक्स किया, और बस आइस क्यूब्स डाल के तो ये रेडी हो जाएगा। अपने लिहाज से आप इसकी क्वांटिटी को सेट कर लें। रमज़ान में भी बनाएं, रमज़ान के अलावा भी बनाएं, आजकल तो गर्मी काफ़ी है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। गर्मी तो और इमली आलू बहारे का शरबत जी हो गया रेडी। सर्व करके दिखाती हूँ आपको, ये है जी इसकी और लुक। गोल्डन वर्ड शेयर कर लेते हैं जी, जब कभी भी आप अपने टेबल को बड़ा हुआ देखें तो अल्लाह ताला का भरपूर शुक्र अदा कर लिया करें, क्योंकि बास लोग ऐसे हैं कि किसी के पास अफ्तार के लिए एक खजूर भी नहीं होती। बस इसी के साथ जी वीडियो करती हूँ एंड, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।